देखिए मेरी बात आपको बुरा लगेगा, कई महिलाओं को तो बहुत बुरी मुर्ची लगने वाली है, लेकिन मैं एक सच्चाई बताने वाला हूँ कि भैया कोर्ट कचहरी जाने वाली है ना, उसको कभी नहीं रखना चाहिए। अब इसका आगे प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस वजह से पूरा वीडियो एंड तक जरूर देख लेना। देखिए दोस्तों होता है क्या कि जब भी कोई भी कोर्ट में मामला पति पत्नी का होता है, ठीक है, अब इनमें से देख लीजिए सबसे पहले क्या होता है कि काउंसलिंग का प्रोसेसिंग हो जाता है, इनका खुद का इरादा है, इंटेंशन गलत रहती है, ठीक है। अब देखिए इनका क्या प्रोसेसिंग होता है कि जब भी केस करती है तो ऐसे ऐसे एलिगेशन लगा देती है, इंटेंशन पत्नी जब भी केस करती है 100 में से 90% पत्नियाँ ऐसी होती है जो वाकई घर बसाने लायक केस करती नहीं है, हमेशा घर तोड़ने लायक ही केस करती है, मतलब हमेशा उनको यही है कि भैया उनको वापस जाना ही नहीं है किसी भी कंडीशन में। जी हाँ, तो उनका डायरेक्ट इंटेंशन किसी भी टाइप से आप देख के कोई भी केस उठा के देख लेना, उनमें 100 में से 90% उनका इंटेंशन स्टार्टिंग में क्या होता है, पूरी फैमिली को, पति और पति के रिश्तेदार, उसके माँ बाप, इवन उसके माँ को और बाप को तो, और उसकी बहन को और पति समेत तो हम एक बार चक्की पिसाना चाहते हैं। जी हाँ, 99% मेंटेलिटी ये होती महिलाओं की स्टार्टिंग में जब भी ये केस करती है, कभी भी इनका इंटेंशन या डायरेक्टली इनका इरादा कभी भी ये नहीं रहता कि भाई मैं घर बसा लूँगी, मेरे साथ ही मारपीट हुआ है, ये हुआ है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर बात का, हर केस का, हर लड़ाई झगड़े का मतलब ये तो नहीं कि वो दहेज का केस कर दो हर केस में जाके। इवन इनके साथ कोई भी छोटी मोटी मारपीट हो गई या छोटी मोटी पति पत्नी की लड़ाई भी हो गई, कोई भी हो गई, तो भैया इनका कुल मिलाकर जाके दहेज केस कर दो साहब, दहेज के लालची है साहब, इवन रिश्तेदारों तक का नाम ऐड करा देती है ज़बरदस्ती से, सोचिए आप। तो ऐसी कंडीशन में कोई रिश्ता बचने योग्य रहता ही नहीं है भाई, इरादा इनका बहुत गलत है। साफ ससुर जी मेरा बेचारा 80 साल का, 70-70 साल के दादाजी हैं, पिताजी हैं, गलत नज़र रखते हैं साहब मेरे, बेचारे वो खटिया से उठ नहीं पा रहे, कहीं माँ बाप ऐसे बुजुर्ग हैं, सोचिए आप, देवर दूर वाले रिश्तेदार रहते नहीं है साहब, मेरे साथ तो गलत किया था उसने। अभी केस कब हो रहे, 1.5 साल 2 साल बाद, जब पति अपनी तरफ से कोई सेक्शन 9 कर रहा है या कोई डाइवोर्स का केस कर रहा, फिर इनके ये आ रहे हैं। अरे भाई जब आपके साथ घटना घटी थी तो आप करते उस टाइम पे एक्शन लेना था आपको, आप साल भर के 2 साल भर के प्री प्लान बना के पूरा आप कर रहे हो, क्योंकि आपका इरादा है नहीं, आप अबला नारी बन जाते हो 1 साल 2 साल के बाद में, आपके साथ जब घटना घटी ऐसा हुआ तब जाके आपको उसको एक्शन लेना था, लेकिन आप नहीं लोगे, आप तो मायके बैठे रहोगे, पति आपका खूब प्रयास कर लिया है, खूब लाने की कोशिश किया, उसके बाद में जब उसने सेक्शन 9 किया या फिर आपके ऊपर डाइवोर्स का केस किया, तब जाके आपने दहेज केस कर दिया, उसके ऊपर डोरी केस कर दिया, मेंटेनेंस केस कर दिया, सब कुछ अबला नारी बन के उससे मेंटेनेंस लेते रहो, कहाँ से भाई तुम सच्चाई पर आ जाते हो, क्यों आप कर रहे हो। एक वकील का काम ये नहीं होता, वकील का काम अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भैया आपकी समाज में सुधारता करने के योग्य भी है, आपका वर्किंग ये भी होता है, ठीक है, तो आपकी जो सच्चाई है उसको बयां करना जरूरी होता है कि आज की डेट में ये होता है, एक एक दो दो साल के बाद आप सोचिए, 1 साल 1.5 साल 2 साल मायके बैठे और उसके बाद इतने गंदे गंदे आरोप लगाते हैं जो कि इनका इंटेंशन ये होता है कि भैया पूरे चक्की पिसाना है, इनको एक और कॉन्फिडेंस हो जाता है कि कानून हमारे पक्ष में है, हम जो महिला हैं हम जो कहेंगे वही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, आरोपों से आपकी FIR दर्ज तो हो जाती है और वो FIR आपकी तबाही बर्बाद कर देती है, 1 साल 2 साल आप कोर्ट के चक्कर काटते हो, उसके बाद आप शांत बैठ जाते हो और फिर आप ढोंग रचते हो, हमको तो जाना है साहब, हमको तो रहना है पति के साथ, हमको तो पति रखता नहीं, भाई आपने पहले तो भिगो भिगो के जूते मार लिए अच्छे खासे, उसके बाद कह रहे कि हमको तो रहना है, कहाँ से रखोगे आप, नहीं रखेगा कोई भी। इस वजह से कभी भी ऐसा कोई मामला है जिसमें आपने पूरा प्रयास किया, 1 साल लग गया, उसके बाद आपने सेक्शन 9 या डाइवोर्स किया और उसके बाद फिर आपके 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 परिवार वालों पे पूरे केस कर दिया गया, सोच लेना 100% मामला झूठा है, ऐसे मामले को कभी भी आप घर में एंट्री मत कराना। जी हाँ, देखिए महिला जो रहना चाहती है वाकई में अपना प्रोटेक्शन राइट लेती है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से जाती है कि भैया मेरे साथ ये घटना घटी है, वायलेंस हुआ, मेरे डोमेस्टिक वाले घरेलू में, मुझे तो DV केस करना है, मुझे तो अपना अधिकार दिलाए चाहे, मेरे सास की वजह से मतभेद है थोड़ा, तो उनको एक थोड़े टाइम के लिए बाउंड कीजिए, मेरा पति है, हम दोनों को थोड़ा सा सेपरेशन दीजिए, हम इस चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे, सिंपल सी बात है। लड़ाई झगड़ा हर हस्बैंड वाइफ के बीच में होते हैं छोटी मोटी, थोड़ा शांत रहिए उस चीज़ को, अगर अपने लेवल पर कोशिश करिए, देखिए ऐसा कोई बड़ी समस्या नहीं होती है पति पत्नी की जो कि सॉर्ट आउट नहीं हो सकती, डेफिनेटली हो सकती है, लेकिन इरादा क्या होता है, आ जाइए कोर्ट में देख लेंगे तुमको, तो नाक रगड़ा देंगे तुमको, तो ये कर देंगे वो कर देंगे, अरे रिश्तेदार हमारा तो जेक है चेक है, हमारा पॉलिटिक्स में पहचान है ये वो, अरे भाई तुमको रिश्ता निभाना है या अपनी दादागिरी या पावर दिखाना तुमको, तो ये दिखावे करने में, ये दूर के रिश्तेदार होने में, ये फालतू के लोग होते हैं, आपकी बैंड बजा जाते हैं अच्छी खासी, इस चक्कर में आपका रिश्ता पूरी तबाही मचा देता है। कुल मिलाकर आपको समझना पड़ेगा कि वाकई अगर आपके बीच में मतभेद हुए, इवन घर वाले तो कहीं ना कहीं से बच के रहे, थोड़ा सा दूर रहिए, हस्बैंड वाइफ का मामला चलो ठीक है सॉर्ट आउट हो जाएगा, हर किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है थोड़ा मतभेद हो जाएगा, थोड़ा शांत रहिए, सबसे है साइलेंट रहना, अगर साइलेंट से छोटी लड़ाई तो साइलेंट रह लो, कुछ टाइम में दोनों का एहसास भी होगा, पार्टनर हस्बैंड है चाहे वाइफ है, सुधार कर
लेंगे, लेकिन अगर घर वालों का रिमोट चल रहा है, सबका ये पावर दिखा रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर आपका रिश्ता नहीं बचने वाला, फिर आप आउट हो जाइए इस रिश्ते से, मूव ऑन कर लीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से केस लड़िए। तो और ऐसे को कोई घर में एंट्री मत दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।